हेलो बच्चों, मैं ज्योति गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल बच्चों की दर्पण में आपका स्वागत करती हूँ। आज करेंगे हम सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है बच्चों अंकों को घटाना या कम करना। तो हम शुरू करते हैं, हम सब्सट्रैक्शन करेंगे बच्चों, हम एक अंक वाले, ठीक है, जिसमें वन डिजिट होते हैं। जैसे कि ये सेवन हो गया, सेवन हमारा हो गया वन डिजिट, और ये हो गया हमारा फोर। और घटाने कम, सब्सट्रैक्शन का निशान होता है माइनस। जैसे ये, इसका मतलब होता है घटाना। जैसे सात है, सात में और नीचे है हमारे पास में चार, तो हम डंडे खींचेंगे, एक सात दो तीन चार पांच छह सात। सात हमने डंडे खींच लिए क्योंकि हमारे पास में ऊपर सात अंक था और नीचे चार है, तो हम इस चार को हम कम करेंगे। एक दो तीन चार, चार हमने कम कर दिए क्योंकि हमारे पास नीचे चार थे। अब हम टोटल काउंट करेंगे कि हमारे पास में कितने बचे, एक दो तीन, तो हमारा आंसर आएगा तीन। ठीक है बच्चों, अब आगे करेंगे हम फाइव टू। सब्सट्रैक्ट का वही हम लगाएंगे निशान, ये लगा दिया। अब हमें ऊपर हमारे पास में फाइव है, तो हमें फाइव डंडे खींचने, एक दो तीन चार पांच। नीचे हमारे पास में है दो, तो हमें ये दो डंडे हमें काट देने हैं। ठीक है, तो हमारे पास में कितने बचे, एक दो तीन, तो हमारा आंसर आया तीन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमारे पास में है सिक्स और नीचे हमारे पास में है वन, और हमें इसका लगा देंगे निशान। सब्सट्रैक्ट का होता है माइनस, तो अब हमारे पास में ऊपर सिक्स है, तो हम यहाँ पर छह डंडे खींच देंगे। नीचे हमारे पास में वन है, तो हम इसको वन पर हम काट देंगे। तो हमारे पास, हम इसको काउंट करेंगे कि हमारे पास में कितने बचे, वन टू थ्री फोर फाइव, तो हमारे पास में आए फाइव, तो हमारा आंसर आया फाइव। ठीक है बच्चों, आगे करेंगे हम इसे एट थ्री, निशान लगा देंगे इसका। अब हम इसको वही प्रोसीजर से हम काउंट करेंगे। तो हमारे पास में ऊपर एट है, तो हम एट डंडे खींचेंगे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो यहाँ हमारे पास में थ्री है, तो हम तीन डंडे हम काट देंगे, एक दो तीन। अब हम इसको काउंट करेंगे कि हमारे पास में कितने हैं बचे हैं, एक दो तीन चार पांच, तो हमारे पास में कितने बचे, पांच, तो हमारा आंसर आया फाइव। ठीक है बच्चों, अब आगे करेंगे हम थ्री टू। अभी थ्री और टू है, तो हम तीन डंडे हम ऊपर खींचेंगे, एक दो तीन। अब नीचे हमारे पास में टू है, तो हम दो डंडे हम काट देंगे, तो हमारे पास में कितना बचा, एक, तो हमारा आंसर आया एक। ठीक है बच्चों, ये आया फोर और टू, तो फोर है हमारे पास में ऊपर, तो हमें फोर डंडे खींचने हैं, एक दो तीन चार। नीचे दो है हमारे पास में, तो हमें दो डंडे काट देने हैं, तो हमारे पास में कितने बचेंगे, दो, तो हमारा आंसर आया दो। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर आपके आपको नेक्स्ट बताएंगे। अब आगे प्रैक्टिस करते हैं हम फाइव थ्री, निशान लगा देंगे हम इसका ये। अब हम पांच डंडे खींच देंगे, तीन चार पांच, तो हमारे पास में नीचे थ्री है, तो एक दो तीन, तो हम तीन डंडे हम काट देंगे, बचे हमारे पास में दो, तो हमारा आंसर आया दो। ऐसे ही बच्चों टू, अगर हमारे पास में सिमिलर नंबर हुए, जैसे टू और टू सिमिलर नंबर हो गए, तो हमारा आंसर आएगा फिर जीरो, क्योंकि दो और दो सिमिलर नंबर हो गए। ऐसे ही वन और वन, अगर सिमिलर नंबर हुए, तो हमारा आंसर वही जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे करते हैं हम सिक्स वन, ये एरो लगा देंगे, साइन हो गया ये सब्सट्रैक्शन का।
अब हमारे पास ऊपर सिक्स है तो हमें सिक्स डंडे खींचने हैं, टू थ्री फोर फाइव सिक्स। नीचे हमारे पास वन है तो वन काट देंगे, एक दो तीन चार, तो हमारा आंसर है फाइव। ऐसे ही फोर वन तो ऊपर आएंगे फोर डंडे, थ्री फोर, नीचे हमारे पास वन है तो वन काट देंगे तो हमारा आंसर आया थ्री। आ गया जो सेवन और टू, तो हमें ऊपर सेवन डंडे खींचने हैं, दो तीन चार पांच छह सात। नीचे हमारे पास में दो है तो हम दो डंडे हम काट देंगे तो हमारे पास में कितने बचेंगे, एक दो तीन चार पांच, तो हमारा आंसर आया फाइव। ऐसे ही सिक्स थ्री, तो हम यहाँ पर सिक्स डंडे खींचेंगे, एक थ्री फोर फाइव सिक्स। हमारे पास में नीचे तीन 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 है तो हम तीन डंडे हम काट देंगे, तीन डंडे काट दिए तो हमारे पास में बचे वन टू थ्री, थ्री, तो हमारा आंसर आया थ्री। ठीक है बच्चों, बच्चों आपको ये जो सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।